सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा 8वीं के पेपर के ऊपर। गाइस, आपको पता है कि आपकी जो डेट शीट है वो SCERT की तरफ से आएगी, तो बार बार यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कि भाई डेट शीट है वो कब आएगी, और आपका जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है वो भी SCERT ही आपके टीचर्स को बताएगी, फिर आपके टीचर्स आपका क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, आपका जो नोटिस आया था उसमें क्लियरली बोला गया था कि आपके जो 8वीं के पेपर होंगे, 5वीं 8वीं के, वो 15 मार्च से लेकर 27 मार्च तक होंगे, यानी कि 15 मार्च से आपके पेपर शुरू हैं। तो आपकी डेट शीट आएगी गाइज, वो आएगी मार्च के सेकेंड वीक के आसपास, ठीक है। अब बात करें आपके क्वेश्चन पेपर की, तो 5वीं 8वीं का जो पेपर है वो SCERT है वो तैयार कर सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया, यानी कि क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन SCERT बताएगा, उसके बाद आपके जो स्कूल्स हैं वो वैसा ही क्वेश्चन पेपर बनाकर आपके एग्ज़ाम्स लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है ओवरऑल कि आपको यहाँ पर जो है डेट शीट का तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, अब क्वेश्चन पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं आपके साथ एक क्वेश्चन पेपर शेयर करने वाला हूँ अभी, ठीक है। उसका लिंक आपको वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन पहले जो मैं दिखा रहा हूँ वो क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके बाद आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप देखें, इसको यहाँ पर डाउनलोड करके सोल्व करें अपने घर पे बैठ के, तो देखिएगा। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है आपका वो मैथमेटिक्स का क्लास 8th का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर करना चाहो तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई यही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपरों में, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हैं तो इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं और इनके जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ गाइस, आप ये भी देख लेना कि भाई CBSE का सिलेबस है उससे क्वेश्चंस हैं या नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 8वीं में कोई सिलेबस CBSE से पढ़ रहा है, कोई HBSE से पढ़ रहा है, कोई किसी दूसरे बोर्ड से पढ़ रहा है, तो जिसके क्वेश्चंस हैं वो कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, इसकी मैं आपको PDF दूंगा, ठीक है। यहाँ पर तो मैं आपको बस दिखा रहा हूँ सैम्पल, इसी क्वेश्चन पेपर की आपको PDF इसी वीडियो के नीचे जाओगे ब्लू कलर में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये देख सकते हो सारा का सारा क्वेश्चन पेपर है बिल्कुल आपका, ठीक है, जिसमें आपके छोटे क्वेश्चन भी हैं और बड़े क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, जिस जिसके सिलेबस में ये क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे, चाहे वो HBSE का हो CBSE का हो, ठीक है, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। SCERT आपके क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन भेजेगी आपके स्कूल को, उसके बाद आपके क्वेश्चन पेपर हैं वो बनाए जाएंगे, ठीक है। और डेट शीट की मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। तो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाइए और इसको डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिए गाइज, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने सबसे पहले आपको डेट शीट के बारे में बता दिया है। डेट शीट आपकी मार्च के सेकेंड वीक के स्टार्टिंग तक आ जाएगी। यार 15 मार्च से पेपर है तो आराम से रहो, अभी इतनी टेंशन मत लीजिए। दूसरा, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन, जिसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए गाइज, ठीक है। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।